बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, एएलएम की असिस्टेंट लाइनमैन के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोगों की जो लिस्ट है मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी वालों की, वो लग चुकी है। फिज़िकल टेस्ट का रिज़ल्ट आ चुका है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किस तरह चेक करना है कि आप पास हो गए हैं या नहीं पास हुए। आपने जस्ट क्या करना है, आपने मोबाइल के जाना है गूगल में। मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ। मोबाइल को गूगल में जाना है, यहाँ पे लिखना है सिंपल एनटीएस। एनटीएस लिख के आपने कर देना सर्च। इस सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद ये जो फर्स्ट में वेबसाइट शो हो रही है एनटीएस, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं ये ऐड आएगा, इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद जैसे नीचे आएंगे ये लिखा हुआ अपकमिंग टेस्ट, इससे नीचे आएंगे तो आपने सर्च करना ऑल रिजल्ट्स, यहाँ पे आ रहा है जो आपके सामने, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं ये जैसे ये वेबसाइट शो हो गई है। यहाँ पे देखें जिन जिन एनटीएस टेस्टों के आ चुके हैं, रिज़ल्ट आ चुके हैं, वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड एमपीओ फिज़िकल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एएलएम। ये देख सकते हैं ये डेट भी शो हो रही है जिन डेटों को हमने फिज़िकल टेस्ट दिया। क्लिक हियर फॉर फिज़िकल टेस्ट रिज़ल्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यह आ रहा है रोल नंबर या सीएनएससी एंटर करें। ये देखें मैं सीएनएससी अपना एंटर करता हूँ, मैंने भी अप्लाई किया था। ये देखें और यहाँ पर जो कैप्चा है आपने ये करना है 4 5 7 1 8, ये लिखने के बाद आपने कर देना इंटर। अब देखते हैं जी, ये देख सकते हैं मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी मेरा रिज़ल्ट शो हो गया, मोहम्मद आलम, मोहम्मद रफ़ीक। और ये आगे देख सकते हैं आपके के एनटीएस टेस्ट एमसीक्यू में 55 नंबर आए थे और फिज़िकल टेस्ट में जो है 50 नंबर आए थे और ये पास का स्टेटस दे रहा है। और अब जो इंटरव्यू के लिए कॉल कब आएगी या मैसेज कब आएगा वो नहीं पता। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। इस तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें।